हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन। आज हम बनाएंगे दही मटन, बहुत ही टेस्टी बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और सबसे अलग टाइप से बनाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में लगातार बने हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये जो दही मटन है वो कैसा बना, आपको कैसा लगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये दही मटन बनाने की विधि। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 kg मटन लिया है, बिल्कुल फ्रेश मटन है। ये मटन हमें फ्रेश ही लेना चाहिए। ये मैंने 1 कटोरी बिल्कुल फ्रेश दही लिया है। जब भी मटन बनाएं, अगर दही ऐड कर रहे हो तो फ्रेश दही लेना है, पहले का बचा हुआ नहीं लेना। ये मैंने 4 से 5 प्याज जिसको कट कर लिया है, 2-3 हरी मिर्ची जिसको मैंने कट कर लिया है। प्याज की क्वांटिटी हमें यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। 2 छोटी चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हो अगर आपको कम खाना पसंद है। ये मैंने 2 टमाटर जिसको कट कर लिया है। ये नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है, खड़े मसालों में जीरा। और भी बहुत से आते हैं खड़े मसाले, अगर आपको पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ली है। तो चलिए हम पहले दही को और मटन को मिक्स करते हैं। तो ये देखिए, आज मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप से मटन बना रही हूँ। मटन को मैंने धो लिया है और लगभग 2 बार मैंने मटन को धोया है। और ये फिर मैंने एक बर्तन के अंदर मटन डाल दिया है और उसमें मैं ये जो मैंने दही लिया था वो डाल देंगे, पूरा दही, 1 कटोरी दही डाल देंगे। और इसको कर देंगे बिल्कुल, हर पीसेस को दही के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि दही का जो टेस्ट है वो मटन के हर पीसेस के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और मटन में स्वाद बढ़ जाए। मटन का स्वाद बहुत अच्छा आता है इससे, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पूरे जो पूरा मटन है उसको दही के अंदर बिल्कुल अच्छे से कर दिया है मिक्स। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, हमें जो नीचे दबे हुए पीसेस हैं उनको भी ऊपर लेके आना है और उनको भी दही के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको खाओगे तो सभी परेशानियाँ भूल जाओगे। तो ये देखिए, मैंने इसको ढक दिया है और अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, कुकर गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर लगभग 1.5 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डालूंगी, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम, सिर्फ 1.5 बड़े चम्मच डालेंगे। और अभी इन ये जो ऑयल है उसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक जीरा डाल दिया इसमें। तो ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे। अगर आप खड़े मसालों को यूज़ में लेना चाहते हो तो आप उन्हीं मसालों को इसी टाइम ऑयल के अंदर डाल दीजिए, जीरे के साथ ही उन मसालों को भी डाल दीजिए। बट मैं यहाँ पे खड़े मसाले को यूज़ में नहीं लूँगी। तो ये देखिए, मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी प्याज, क्योंकि जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, जिससे हमारे मटन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। प्याज को हमें बारीक ही कट करना है, जब भी मटन बनाओ इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और प्याज को हमें कर लेना है बिल्कुल अच्छे से फ्राई। ये देखिए, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। आप प्याज डालने में कंजूसी मत कीजिए, जब भी मटन बनाएं तो आप प्याज की क्वांटिटी फुल रखिए, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटन के अंदर। प्याज की थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची। तो ये देखिए, मैंने लगभग 4 हरी मिर्ची थी जिनको मैंने कट कर लिया है। ये हरी मिर्ची तीखी वाली है, तो आप देखिए हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का टेस्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं तो सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि हमें ऐसे मटन बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। तो प्लीज़, अगर आपको लाल मिर्ची ज़्यादा लग रही है तो आप उसको कम कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी मसाले सेम ऐसे ही डालिए, अगर आप इतनी क्वांटिटी में मटन बना रहे हैं। तो ये देखिए, प्याज और हरी मिर्ची हमारे बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। गैस का फ्लेम हमने अभी तो फुल ही रख रखा है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे
हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हमने एक छोटी चम्मच ली है क्योंकि हल्दी पाउडर थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा होनी चाहिए मटन के अंदर। ये मैंने नमक डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा, बट मैं यहाँ पे एक छोटी चम्मच नमक डाला है मैंने यहाँ पे। और इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे, प्याज, हरी मिर्ची और ऑयल के अंदर बिल्कुल अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये देखिए हल्दी और नमक को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है, और प्याज हमारे जब भी सिक जाएंगे तो हमें इसमें खुशबू आने लग जाती है। इधर हमारा जो मटन है उसको मैंने लगभग 10 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के बाद में हम वापस से इसको हाथ से और अच्छे से कर देंगे मिक्स, ये देखिए। और अब हम इस मटन को और कुकर के अंदर डाल देंगे। ये देखिए दही के साथ मटन का कलर बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत ही टेस्टी मटन बन के रेडी हुआ है। ये हमारा होगा, हुआ तो नहीं है अभी, स्टार्टिंग है बट होगा, क्योंकि इसके हमें कलर से ही पता चल रहा है और इसमें बहुत अच्छी भी खुशबू आ रही है। और आज हम बिल्कुल थोड़ा अलग कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दही के अंदर अच्छा से मिक्स कर दिया है, जिससे हमारा दही मटन है वो बहुत टेस्टी बनता है। हमारे जो घर में बूढ़े लोग हैं वो ऐसे ही मटन बनाते थे, तो आज मैं आपको उन्हीं के तरीके से मटन बनाने की विधि बता रही हूँ। और ये सच में ये बहुत टेस्टी बनता है, सबने बहुत तारीफ़ की खाने के बाद में, क्योंकि ये बना ही बहुत ही टेस्टी था। तो आपसे यही पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप इस मटन को ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर बताना कि ये मटन की रेसिपी कैसी लगी आपको। तो ये देखिए जो मटन है उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया, और आज हम बनाएंगे मटन फ्राई। तो ये देखिए मटन को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है फ्राई, बट हमने दही डाला है और मटन डाला है, जिससे थोड़ा बहुत पानी ये छोड़ेंगे दही और मटन दोनों, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए मटन को हमें लगभग 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है ऑयल के अंदर, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। मटन को हमें बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है, जिससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है मटन के अंदर, बहुत ही शानदार मटन बनता है, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए हमारे मटन के पीसेस हैं, मैंने 10 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और पानी नहीं डाला अभी तक, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पानी दिख रहा है आपको, ये हमने डाला नहीं है, ये दही और मटन ने छोड़ा है थोड़ा सा पानी, उसी की वजह से ये पानी है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन मटन के अंदर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटन के अंदर। आप जब भी मटन बनाओ तो प्याज और लहसुन का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बहुत अच्छा मटन बनता है। तो ये देखिए लहसुन को भी हमने बिल्कुल अच्छे से कर देना है मिक्स, और ताकि लहसुन का जो टेस्ट है वो पूरे सभी पीसेस के अंदर अच्छे से जा सके। तो ये देखिए मटन भी हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसके जो पीसेस हैं वो थोड़े से टाइट से हो गए हैं पीसेस, मतलब कि पक चुके हैं। तो ये देखिए कितना पानी हो गया है, हमने पानी तो बिल्कुल डाला ही नहीं इसमें, और फिर भी कितना पानी हो गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने 2 छोटी चम्मच यहाँ पे डाल दी है लाल मिर्ची पाउडर, और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने हल्दी और नमक तो पहले ही डाल दिया था। और अब हम इन दोनों मसालों को बिल्कुल कर देंगे अच्छे से मिक्स मटन के अंदर, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना, ताकि सभी पीसेस के अंदर इनका टेस्ट है वो जरूर आ जाए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारे मटन के अंदर, बहुत ही टेस्टी मटन बन के रेडी होगा, क्योंकि आज हमने दही मिलाया इसके अंदर और दही के साथ कवर करके इसको मैंने 10 मिनट तक रेस्ट पे रखा है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब दही मिलाएंगे इसको 10 मिनट तक ज़रूर रेस्ट करवाना है मटन को, तभी जो दही का टेस्ट है वो मटन के हर पीसेस के अंदर जाएगा और मटन हमारा स्वादिष्ट बनेगा। तो ये देखिए सभी मसालों को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे अच्छी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है, और ग्रेवी भी जो है वो हमारी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि इसके अंदर सभी मसाले घुल चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। टमाटर को आप अवॉइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दही से अच्छा टेस्ट आता है, बट मैं यहाँ पे टमाटर भी डाल रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मटन के अंदर, बहुत अच्छा मटन बनेगा हमारा। दही भी डाल दिया और टमाटर भी डाल दिया, बहुत
टेस्टी मटन बनता है इस तरीके से बनाओगे। तो ये देखिए हमने बिल्कुल सभी चीज़ों को बिल्कुल डाल दिया है कुकर के अंदर और सभी चीज़ों को कर दिया है अच्छे से मिक्स। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसके अंदर और ये देखिए मटन से कितना पानी भी अलग हो गया है, बहुत सा पानी अलग हो गया है। मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है और पानी से अलग हो गया है। ये देखिए मटन बिल्कुल अच्छे से फ्राई भी हो चुका है हमारा और मैंने इसके अंदर लगवा दी है। इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 5 सीटी लगवाई है। 5 सीटी के बाद में हम देखते हैं कि हमारा मटन बना है या नहीं। 5 सीटी में बन चुका है। मैंने इसके अंदर लास्ट में डाल दिया है हरा धनिया और गरम मसाला, जो मटन मसाला था वो डाल दिया है। और अब हम इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा के 2 मिनट तक वापस से पकने देंगे ताकि जो हरे धनिया का और गरम मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से मटन के अंदर जा सके। तो ये देखिए हमारा मटन फ्राई बन के हो चुका है रेडी। बहुत ही टेस्टी मटन फ्राई बना है और इसको बनाने में लगभग मुझे 40 मिनट लगी हैं। 40 मिनट तो लग ही गई हैं क्योंकि मटन के पीसेस थे वो थोड़े हार्ड थे, तो इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है। क्योंकि हम जिस चीज़ का मटन लेते हैं उसकी एज पे भी डिपेंड होता है कि वो कितनी एज की थी। तो यहाँ पे मैंने इस मटन को और सर्व कर दिया है अलग बर्तन में। आप देख पा रहे होंगे हमारे जो मटन है वो टेस्टी बना है, बहुत ही शानदार बना है, बहुत अच्छा कलर भी आया है। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि 5 सीटी ही लगवाइए क्योंकि हमने मटन को पहले भी बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिया है। तो आप 2 सीटी या 3 सीटी लगवा के उसको चेक कर लीजिए, अगर पक गया है तो ठीक है, वरना नहीं पका तो आप और सीटी लगवा लीजिए। बट मैंने यहाँ पे 3 सीटी लगवाने के बाद में चेक किया था, मटन नहीं पका तो मैंने 2 सीटी और लगवा दी, इसलिए मैं आपको पूरी सही बात बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 5 सीटी लगवाई थी इसके, और आप इस बात में मत जाना कि 5 सीटी लगवा दी गल गया, बिल्कुल नहीं गला ये मटन, बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी है, बहुत ही अच्छा बना है। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बना था ये मटन हमारा। तो आप इस तरीके से ज़रूर मटन बनाना, जब भी मटन बनाओ अगली बार ज़रूर बनाना इस तरीके से। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरे मटन की रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप अच्छे कमेंट करते रहोगे तो मैं आपके लिए और भी नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और ये देखिए आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अगर आप अच्छे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, और लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और कमेंट की बात मैं आपको 2-3 बार भी बता चुकी हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी या फिर कोई कमी लगी तो मुझे ज़रूर बताना इसमें। तो ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।